हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग का जो सेकंड राउंड होने वाला है, बीएससी नर्सिंग का जो सेकंड राउंड होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि आपका सेकंड राउंड कब होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ। हो जाना चाहिए था, 5 से 6 तारीख को होने वाला था लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका मेन रीज़न क्या है, तो मैं रीज़न इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, अच्छा लगे लाइक जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना जो सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, आपको जब भी सेकंड राउंड का जो भी नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम से टाइम। बस आपको जरूरत है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड पर आ गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर देख लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में कोई नोटिफिकेशन है क्या इससे रिगार्डिंग। तो अभी काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आपको नज़र नहीं आ रहा, चलो आप एडमिशन वाले सेक्शन पर जाकर भी देख लेते हैं। जैसे वो एडमिशन वाले सेक्शन पर जाएंगे तो हमें इस पेज पर आ जाएंगे, तो इस पेज पर हमें काउंसलिंग पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक हेयर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, तो वहाँ से उनको सेलेक्ट एग्जाम का ऑप्शन भी हटा हुआ नज़र आ रहा है। देख लो, सेलेक्ट एग्जाम का ऑप्शन भी हटा हुआ नज़र आ रहा है, सेलेक्ट एग्जाम बीएससी नर्सिंग हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और बाकी कोई नया नोटिफिकेशन नीचे नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या रीज़न है जिस वजह से ये काउंसलिंग रुकी हुई है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसका मेन रीज़न है एक्सेप्टेशन एफिलेशन, यानी कि सभ्यता स्वीकृति की वजह से आपका एडमिशन, आपका जो सेकंड राउंड है वो रुका हुआ है। अब सभ्यता स्वीकृति क्या होती है उसके बारे में जो न्यूज़ पेपर में आई थी, कल न्यूज़ पेपर की कटिंग मेरे पास पड़ी है तो मैं उसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए तो ये देख लो आप, ये देख सकते हो, ये है कि दाखिलों के बाद इसमें लिखा हुआ है मेडिकल यूनिवर्सिटी और नर्सिंग काउंसलिंग के बीच फंसे नर्सिंग विद्यार्थियों का भविष्य एडमिशन होने के बाद जागे। अब कॉलेजों से सभ्यता के स्वीकृति पत्र मांगे, यानी कि जो कॉलेज है कॉलेजों से क्या यूनिवर्सिटी ने सभ्यता के स्वीकृति पत्र, यानी कि एक्सेप्टेशन एप्लीकेशन के जो लेटर है वो मांग लिए किसने, कॉलेजों से यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 10,000 का भविष्य दाव पर नर्सिंग डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। पाठ्यक्रमों प्रदेश भर में 150 कॉलेजों में पूरी हो चुकी प्रवेश प्रक्रिया, यानी कि 150 कॉलेज है लगभग, आपको सबको पता है 157 के आसपास कॉलेज है लेकिन सब वो तो 150 बताने लगभग, तो उनमें एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद सभ्यता पत्र मांग रहे हैं। अभी इसमें क्या हुआ, देख लो जयपुर की न्यूज है, प्रदेश के करीब 150 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2020-21 के लिए बीएससी पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश फॉरम वाले हजारों विद्यार्थियों का भविष्य राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसलिंग से मिलकर दाव पर लगा दिया है, यानी कि RNC ने और RHS ने मिलकर स्टूडेंट्स का भविष्य दाव पर लगा दिया है। इन कॉलेजों में जहां प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, और अब करीब 10,000 विद्यार्थी प्रवेश पा चुके हैं, वहीं अब विधि यानी कि वीवी यानी कि यूनिवर्सिटी ने जो विश्वविद्यालय है उन्हें सभी कॉलेजों को फरमान जारी किया है कि वे विश्वविद्यालय की सभ्यता के लिए पहले काउंसलिंग का स्वीकृति पत्र दिखाए, किसका काउंसलिंग का स्वीकृति पत्र दिखाए। तो अब ये सबसे बड़ा घपला हुआ है, मान लो कोई कॉलेज ऐसे उन्होंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन उन्होंने काउंसलिंग के लिए RHS को पेमेंट नहीं दिया, RHS को पेमेंट नहीं किया, तो RHS उनसे काउंसलिंग का स्वीकृति पत्र मांग रहे हैं कि उन्होंने बताना है कि हमने कितनी सीट्स, मतलब ये रूल होता है RHS का कि जितनी सीट्स होती है ना कॉलेज में, मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में से 50 सीट्स तो RHS की काउंसलिंग के जरिए भरनी होती उन लोगों को, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, स्टूडेंट का भला नहीं सोचते और अपने प्रॉफिट के लिए वो खुद के स्तर पर ही सीट्स भर लेते हैं, मतलब इनमें से वो 20 सीट वो को बोल दें कि 20 सीट ही हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 40 सीट्स हैं ऐसा बोल देते हैं
कॉलेज वाले, और जबकि उनके पास सीट होती है 50-60, तो वो एडमिशन तो ले लेते हैं 50-60 का, और उनसे आर से बोलते हैं हमारे पास 40 सीट है, उनमें से 20 हम आपके जरिए भर लेंगे काउंसलिंग के जरिए, और 20 सीट हमारे स्तर पर भर लेंगे। तो ऐसे करके वो नुकसान होता है। तो 20 सीट्स अब क्या है ना, उनको काउंसलिंग के जितने भी सीट्स हैं ना, मान लो 20 सीट्स के लिए उन्होंने बोला होगा ना कि हमारे पास 20 सीट्स हैं, आर से 20 सीट के लिए बोला होगा, तो अब वो टोटल 40 सीट्स का ही स्टूडेंट्स का एडमिशन दे सकती है आर उन लोगों को। अब नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो 20 सीट 100 सीट तो 100 है कॉलेज में, लेकिन आर जिसको बता रहे हैं 20 सीट्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अब 100 में तो 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन का कुछ कह नहीं सकते, ओनली 40 स्टूडेंट्स का एडमिशन ही हो सकता है। तो ध्यान रखना, जिनका भी एडमिशन होगा कॉलेज वालों से संपर्क करिए कि ये क्या हो रहा है, या इसके ऊपर आपको जंग लड़नी होगी इस बार, ठीक है। इसमें और लिखा, कॉलेजों को काउंसलिंग की स्वीकृति और विश्वविद्यालय से सभ्यता नहीं मिलने पर विद्यार्थी गैर सभ्यता प्राप्त कॉलेज कर विद्यार्थी कहलाएंगे, यानी कि नॉन एपिलेशन स्टूडेंट्स कहलाएंगे, नॉन एपिलेशन स्टूडेंट कहलाएंगे यदि कॉलेज से यदि आरएचएस से स्वीकृति नहीं मिलेगी, काउंसलिंग को से स्वीकृति नहीं मिलेगी, जो काउंसिल से स्वीकृति नहीं मिलेगी तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन एपिलेशन स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये नुकसान है स्टूडेंट्स के साथ, नुकसान होने वाला है। आरएचएस ने बोला, आरएचएस और काउंसिल ने बोला है कि 30 दिन में स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेशन दिखाने का फरमान, यानी कि आरएचएस ने 30 दिन दिए हैं सभी कॉलेजों को, 30 दिन में कैसे भी करके अपना एक्सेप्टेशन हमें दिखाइए, मतलब स्टूडेंट्स का कोई नहीं है, कॉलेज वालों को करना है, कॉलेज वालों को कैसे भी करके जो एक्सेप्टेशन है स्वीकृति पत्र है वो उनको दिखाना है, ठीक है। और जो यदि मान लो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ साथ उनका पैसा और साल दोनों खराब होंगे, स्टूडेंट्स का साल भी बर्बाद होगा यदि मान लो कॉलेज वाले नहीं कर पाते, मतलब स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं कर सकते, स्टूडेंट तो एडमिशन ले सकता है, लेकिन कॉलेज वाले यदि एक्सेप्टेशन नहीं ले पाते हैं, स्वीकृति पत्र नहीं ले पाते हैं काउंसिल से, तो स्टूडेंट्स का साल भी बर्बाद होगा और स्टूडेंट्स के पैसे भी जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा हो सके तो जितना ज़्यादा उसे कोशिश करना कि अपने इस करियर को बचाया जाए, ठीक है। हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, बस आपको इन हमारा सपोर्ट करते रहना, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इस वजह से आपकी काउंसलिंग में सभी वो सिलेक्ट वगैरह का सबका ऑप्शन हटा दिया है, बट जल्दी आ जाएगा, जैसे ये केस जो है ना ये सोल्व हो जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट वालों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे ये केस सोल्व होता है उसके बाद आपको वापस सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, जब भी केस सोल्व होगा तब आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, 15 मार्च लास्ट मानकर चलो, 15 मार्च से पहले आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद।